हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। चर्चित निधन और फेमस पर्सनालिटीज डाइड इन 2019, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा किन किन की मृत्यु हो गई है, कब 2019 में, जो कि प्रसिद्ध क्या है लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है 2019 में। जो ऐसे क्वेश्चनों भी आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है कि कोई भी नाम बोल दिया, कृष्णा सोबती है तो किस क्षेत्र से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ऐसे पूछ सकता है। तो चलिए पहले चलते हैं फ्रेंड, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित आप सुनते हो तो आपको दिल्ली सीएम का याद आता होगा। दिल्ली की सीएम लगातार 3 बार रही हैं, 1998 से 2013 तक दिल्ली की सीएम रही हैं, और ये केरला की गवर्नर भी रही हैं 2014 में। किससे? भारतीय राजनीति से इनका संबंध था, भारतीय राजनीति से इनका संबंध था। बात करते हैं फर्नांडो कॉर्बेटो का। फर्नांडो कॉर्बेटो जो है वैज्ञानिक है, और इनका संबंध था कंप्यूटर पासवर्ड से, कंप्यूटर पासवर्ड। नेक्स्ट है सैमी सोर। सैमी सोर का बात करें फ्रेंड, तो सैमी सोर एक अभिनेता और कॉमेडियन है जिनकी हाल ही में क्या हो गई, निधन हो गई। क्या हो गई? हाल ही में निधन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कल्पना दास। कल्पना दास क्या है? पर्वतारोही, उड़ीसा के एकमात्र पर्वतारोही है जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है। तो हुआ क्या फ्रेंड, कल्पना दास माउंट एवरेस्ट चढ़ तो गई, फतह कर ली, लेकिन उतरने के टाइम उनकी क्या हो गई, निधन हो गया, मर गई, मृत्यु हो गई। हीरा लाल यादव का बात करें तो हीरा लाल यादव भोजपुरी लोक गायक है, और इन्हें 2019 में पद्म श्री से नवाजा गया, और उसके बाद ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नामवर सिंह हिंदी साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार हैं। मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर का बात करें तो ये भी भारतीय राजनीति के क्षेत्र से संबंधित है, और ये बीजेपी में थे। बात करें मनोहर पारिकर तो गोवा के 3 बार सीएम ये भी रह चुके हैं, और ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं आपके। नेक्स्ट बात करते हैं रामाकांत अचरेकर का। तो रामाकांत अचरेकर क्या है, क्रिकेट कोच है, जिनकी हाल में क्या हो गई, निधन कर गए हैं। ये कौन है? क्रिकेट कोच है, इनकी निधन हो गई है हाल में। सुषमा स्वराज बात करें फ्रेंड, तो सुषमा स्वराज भी भारतीय राजनीति के क्षेत्र से जुड़ी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी में थी। और बात करें तो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रह चुकी है, और ये पहली दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही है, इसके बाद आई है शीला दीक्षित। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कादर खान। कादर खान कौन था? हिंदी फिल्म अभिनेता कादर खान था, बहुत सारी मूवी इनकी आई है हिंदी फिल्म में। तारा दाग, दाग भी इन्हीं का पहला क्या था, फिल्म था। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती हिंदी साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार है कृष्णा सोबती, इनका भी निधन हो गया है। बात करें बाबूलाल गौड़, भारतीय राजनीति के क्षेत्र से है, और पूर्व सीएम ऑफ मध्य प्रदेश थे, मध्य प्रदेश के पूर्व क्या थे, मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौड़। रॉबर्ट मुगाबे, जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया, जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है, रॉबर्ट मुगाबे। नेक्स्ट बात करते हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य, देश की पहली महिला डीजीपी। तो देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, और ये दूसरी महिला आईपीएस थी। पहली महिला आईपीएस कौन है? किरण वेदी, और दूसरी महिला आईपीएस थी क्या नाम है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, और ये देश की पहली महिला डीजीपी थी। मोहम्मद जहूर खयाम, प्रसिद्ध संगीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, मोहम्मद जहूर खयाम, ठीक है। एक और है आप याद कर सकते हैं, जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, ये भी कौन थे, राजनीति के क्षेत्र से हैं, राजनीति के क्षेत्र से हैं, और बिहार के ये सीएम रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और 3 बार कार्यकाल तक रहे हैं जगन्नाथ मिश्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका निधन से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो भी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।